वालेकुम आदाब। जो आज हम आए सरकारी हॉस्पिटल में, जो हमने एम्बुलेंस जो धावड़ा जो डिलीवरी का पेशेंट था, बाजार का भी हिस्सा बताएंगे कि किस तरह बाजार भरे हुआ है और कितनी परेशानी से एम्बुलेंस निकली। तो इस लास्ट तक वीडियो में अजंता न्यूज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लास्ट तक आने का है जो ओमनी में। तो बाजार भी सामने बाजार देखे तुमने, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बाजार में। तरफ से उधर से बाहर से पुलिस स्टेशन के तरफ से इधर आया हमें कि तो सरकारी हॉस्पिटल पेशेंट को लेने गया। हाँ, तो पेशेंट को तो बाजार में सीधा आ सकते थे आप। नहीं, तो बाजार में बहुत गर्दी है ना। तो बाजार में तो गर्दी काय की गर्दी है, बाजार की। बाजार क्या, संडे का बाजार है ना। हाँ, संडे का बाजार। तो अभी एम्बुलेंस भी गई तो उसको भी काफी तकलीफ हुई। एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं है उधर से जाने। एम्बुलेंस तो जाएंगी ही नहीं। एम्बुलेंस जाएंगी नहीं, नहीं। तो अभी तुम किधर से लेके जाएंगे? तो अभी हम गाड़ी इधर से लेके जाएंगे, बाहर से ऐसा घुमा के पूरा आधे घंटे टाइम पास करके। गाड़ी है इमरजेंसी पे। तो इसी रूट से एम्बुलेंस गई तो काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। जो डिलीवरी पेशेंट था, जो डिलीवरी हुई हुई पेशेंट को छोड़ने, जो धावड़ा छोड़ने के लिए गई एम्बुलेंस लेके छोड़ने को धावड़ा गई पेशेंट को, तो बिल्कुल काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये अजंता का जो बाज़ार है गांधी चौक में भरता है, तो इस तरफ से एम्बुलेंस को निकलने के लिए बहुत ही परेशानी हुई इस तरफ से, तो काफ़ी लोगों को दिक्कत है। इसमें पेशेंट था जो धावड़े को जा रहा था, पेशेंट डिलीवरी पेशेंट को धावड़ा छोड़ने को जाने का था, इस तरफ से एम्बुलेंस निकली तरफ से। हम पूछेंगे भैया से, भैया एम्बुलेंस किधर से गई थी? अभी इधर से बहुत ऐतबा होंगे। एम्बुलेंस इधर से गई थी, तुमने तो दुकान उठा लिए होंगे। एम्बुलेंस किधर से गई थी? एम्बुलेंस किधर से गई थी? एम्बुलेंस इधर से गई थी क्या? बहुत ऐतबा होंगे यार दुकान की उठाने की। सभी लोग बैठे हैं, जो गाड़ी की परेशानी, जो एम्बुलेंस निकलने के वास्ते काफ़ी दिक्कत उठाना पड़ी एम्बुलेंस को निकलने के लिए। जो धावड़ा पेशेंट जा रहा था, डिलीवरी का पेशेंट छोड़ने को जाने का था, तो अजंते के समीर किधर से एम्बुलेंस गई? इधर से गई। तो कितने ये तो गाड़ियाँ पूरे हटाना पड़े तुमको। हाँ। तो काफ़ी मुश्किल होंगी उसमें पेशेंट था तो। हाँ। एम्बुलेंस किधर से गई भाई? इधर से गई क्या? तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है इस एम्बुलेंस को जो निकलने के लिए इधर से। जो इमरजेंसी पेशेंट भी रह रहा है तो हॉस्पिटल में जाने के लिए रास्ता नहीं इधर से। कितना टाइम होगा एम्बुलेंस जाने को? एक घंटा हो गया। तो गाड़ियाँ तो तुम्हें सबने हटा लिए होंगे। तो सभी से बात करें, हमने एम्बुलेंस इस रोड से गई थी। अजीत भाई क्या बोलना चाहेंगे? जाने के लिए आधा घंटा होगा। तो तुमको तो गाड़ियाँ सबको हटाना पड़े, हमें सबको हटाना पड़े। तो काफ़ी मुश्किल हुई है एम्बुलेंस को निकलने के लिए। हाँ, थोड़ी दिक्कत आई है। हमारे जब्बार जब्बार भाई कुछ बोलना चाहेंगे? तो काफ़ी हमने लोगों से बात की है, कितने लोगों से, जो हमारे असद भाई भी, असद भाई से बात करी है। एम्बुलेंस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एम्बुलेंस कितना मुश्किल है सबसे निकल। अरे भैया बहुत खतरनाक। हाँ, जो इमरजेंसी पेशेंट था अभी वहाँ हाँ पूरे गाड़े हटे क्या? हाँ। तो बहुत लोगों से बात की हमने इसके बारे में। ये बाज़ार दूसरी तरफ एक रास्ता छोड़ना चाहिए, ये बाज़ार का एक रास्ता जो दवाखाने में हॉस्पिटल में कभी इमरजेंसी पेशेंट आ सकता है। तो इस रूप से भाई एम्बुलेंस किधर गई थी अभी? किधर से गई थी एम्बुलेंस? एम्बुलेंस
बड़ी तकलीफ से गई बाजार की वजह से, रोड भी खराब है सर, रोड बनानी है अभी। तो ये ज्यादा रोड की वजह तकलीफ हुई क्या, बाजार की वजह तकलीफ हुई? तकलीफ तो दोनों तरीके से है, बाजार की भी है और रोड भी अभी खुदाया हो गया। तो इस तरफ से अगर लेके जाता तो कितना टाइम लगता था उसको लेके जाने के लिए? उसको लेके जाने को तकरीबन एक घंटा पास हो जाता था, एक घंटा यहाँ से कमान में निकलने के लिए। निकलने के लिए तरीके से हमने बात करे, हॉस्पिटल में जाके भी बात करे हमने, काफी मुश्किल घंटे का बाजार है। जो इमरजेंसी पेशेंट जो भी आया हॉस्पिटल में तो उस तरफ से जाना पड़ता है, उठा के जाना पड़ता है लोगों को। एम्बुलेंस लाते तो कम से कम एक घंटा तक उसका साइकिल निकलने को रास्ता नहीं इधर। एम्बुलेंस कहाँ से निकली? हाँ, आदमी निकलना मुश्किल है। लोगों को देखी है यहाँ कमान के पास, यहाँ से एम्बुलेंस कैसे निकली है? इमरजेंसी पेशेंट रहा तो ये देखिए गन्नों की भी हर बीच में लगाते हैं। यहाँ तक एम्बुलेंस आ सकती है बस स्टैंड से।